हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काजल अमित वर्मा ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा राइस। तो आइए चलते हैं जीरा राइस बनाने। जीरा राइस बनाने के लिए मुझे चाहिए कुकर। कुकर गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून घी। देखिए मैं 1 टेबल स्पून घी डाल चुकी हूँ। इसको मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता। घी मेल्ट हो चुका है, हम अब इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1/2 टीस्पून जीरा। अब इसको चटकने देंगे। देखिए अब ये चटक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चावल। मैं इसे धो ली हूँ 2-4 पानी से अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे चावल। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो नमक ना भी डाल सकते हैं, मगर मुझे नमक डाल के अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। अब इसे चला लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। देखिए चावल भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। चावल 1 कटोरी लिए थे, इसलिए इसका 2 गुना पानी डालेंगे। कटोरी में इसमें पानी डाल चुकी हूँ। अब इसे चला लेंगे। लगा के स्लो फ्लेम पर इसको 1 सीटी आने तक पकाएंगे। हमारा जो है जीरा राइस बनके तैयार है। देख सकते हैं कितना खिला खिला बना। देख सकते हैं हमारा प्लेट लग चुका है। आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।